चक्कर नाइटी के अंकल को सीधा हो गया ये तो। ये सीन चेक करें, बड़ा मजे का लग रहा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है मैं आप लोगों को रेस कोर्स पार्क यानी कि जलानी पार्क विजिट करवाने जा रहा हूँ। जलानी पार्क का रकबा तकरीबन 88 एकड़ है, इस वजह से हमारी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्योंकि हम लोग जो है सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जलानी पार्क के अंदर, जितने भी झूले वगैरह हैं, इसके अलावा वहाँ पर जो है जश्न बहारा हो रही है, इस वजह से वहाँ पर फेस्टिवल भी है। तो हम इसके अलावा जो है उधर रिवर वगैरह है, उसके अंदर बोटिंग वगैरह भी करेंगे। तो अभी जो है बिना देरी किए हम पहुँचते हैं रेस कोर्स यानी कि जलानी पार्क। ये हम पहुंच चुके हैं पार्किंग के अंदर, इधर गाड़ी पार्क करते हैं फिर आगे चलते हैं। गाड़ी जो है वो हमने पार्किंग पे लगा दिया और एक जो है ये वाला गेट है, दूसरे गेट जो है वो दूसरी साइड पे हैं। तो आप जिस साइड से भी आए आप जो है ना आसानी से अंदर इंटर हो सकते हैं। ये पीछे जो है ना ये उधर बच्चों के झूले लगे हुए हैं सारे, यहाँ से आप इंटर होकर झूले वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फन हाउस है बच्चों का, यहाँ पे चेक करें बच्चे क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास देखने को मिलता है जंप, यहाँ पे बच्चे जंपिंग कर रहे हैं जंपिंग। ये रही एलिफेंट गो ग्राउंड, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं एलिफेंट्स के ऊपर और ये चल रहा है। और इधर जो है पैरट बोट इन्होंने चला दी है, नज़ारा करें इसका। ये है टिकट घर, इधर से लेते हैं हम भी एक टिकट। बॉस टिकट कितने की दे रहे हैं? 100 की। ये मिल गई है हमें टिकट, ये वैसे ही भरी गया, हमारी बारी दोबारा आएगी। रश चेक करें, हर साइड पे आवाम आपको नज़र आएगी। अब जो है ये बोट खाली हो गया है, अब हम चलते हैं इधर से, लाइन काफ़ी लंबी है हमारी। चलो चलो चलो, ये आवाम जो है बैठ ली है और थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हम बैठ गए हैं बोट के अंदर और इधर हैं हमारे साथ फ्रेंड्स कुछ। कैसे हैं आप लोग? फिट पार्ट हैं? हाँ जी हाँ जी। एंजॉय करने आए आप? जी जी बॉस। अभी चलने लगी है थोड़ी देर तक। और ये जो है आगे एक सेफ्टी के लिए इन्होंने दिया हुआ है, सेफ्टी नहीं इसको आगे पीछे करना, सेफ्टी नहीं करना बॉस। ये लड़के तो कम भी लगाते हैं, लड़कियां ज्यादा लगाती हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा होता है, ज्यादा खतरा होता है, ऐसे ही कर देना यार। ये चलने लग गई है, चक्कर नाइटी के अंकल को सीधा हो गया ये तो। चलें जी ऐसे खत्म, इधर से निकलेंगे हम बाहर। इसके अलावा यहाँ पर ये है वर्चुअल रियलिटी, सर पे लगाते हैं इस तरह और जो है ये चल रही है रोलर कोस्टर, पटरी के ऊपर चल रही है। ये छोटा सा बच्चा ले रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है ये तो। मैंने जो है ना वो अभी बोट जाना उससे आया हूँ तो मुझे
वैसे ही मेरा दिल ख़राब हो रहा है, वो जो है ना उल्टी सी आ रही है, इस वजह से मैंने जो है ना उसको ट्राई नहीं किया। और अभी जो है हम जा रहे हैं बाहर जूलों वाले एरिया से, ये है जी हमारी एग्जिट। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, इस वजह से सब लोग इधर बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज के साथ। और अफ्तारी के बाद जो है सब अफ्तारी करके फिर निकल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाली झील, ये आपको मैप नज़र आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस कोर्स पार्क लेक। अब मैं इधर आ गया हूँ लेक पर, आपको लेक दिखाता हूँ, ज़रा इसका नज़ारा करें। साइडों पे ऊंचे ऊंचे लोहे के जंगले लगे हुए हैं ताकि कोई बच्चा वगैरह गिर ना जाए, और ऊपर से मज़े की बात ये नोकदार हैं, कोई करमस्तियाँ करता हुआ जो है ना अंदर भी ना जा सके इसके अंदर। अभी सबसे पहले जो है हम बोट का मज़ा लेते हैं, राइड करते हैं थोड़ी सी, मतलब बोटिंग करते हैं। और इसके अलावा इसके बाद जो है ना मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊँगा, और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को रात टाइम जो है जिसने बहारा का जो फ्लावर शो है वो दिखाऊँगा। अभी इधर चेक करें, ये बोट्स मौजूद है हमारे पास, ये जो है आप मैन्युअली कुछ हैं इनको आप चला सकते हैं दो या चार बंदे बैठकर, और ये वाली जो है ये इसके पीछे इंजन फिट है। अभी हम देखते हैं कि हमें कौन सी सूट करती है और इसकी टिकट कितनी है। इधर से है इसका एंट्रेंस। अस्सलाम वालेकुम सर, वो जनरेटर वाली चल रही है बोट कितनी टिकट है, कितने लोग हैं? हाँ कितने लोग हैं? मैं अकेला ही फ़िलहाल, तो और लोग नहीं हैं, आ जाएंगे ना तब तक जब आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आपको जो है ना वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरे लोग आ नहीं जाते, मैन्युअली अगर चलानी है तो फिर भी आपके पास कम से कम दो बंदे होने चाहिए। अब इधर वेट करते हैं और लोग आ जाते हैं तो फिर जो है हम इसके ऊपर बैठेंगे और झील के नज़ारे करेंगे। अरे मौसम तो बड़ा प्यारा है और हवा भी ठंडी चल रही है, इधर बहुत कम लोग ही हैं, ये खुद से चला रहे हैं पाँव से, अगर इनके रोज़े हुए तो ये तो बेचारे रोज़ा लग जाए कहीं तो। ये देखें इन्होंने स्पीकर लगाया हुआ है और इससे जो है ना जब टाइम ख़त्म हो जाता है ना उन्हें बुलाते हैं। ये देखें तो जी लोग आ रहे हैं काफ़ी, मुझे टिकट मिल गया 75 रुपए की टिकट है, यहाँ पर लिखा हुआ मोटर बोट पैडल बोट, और ये जो 75 रुपए इनकी जो है टिकट वगैरह लिखी है। अब लोग काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं और मुझे भी टिकट मिल गई है, तो हम जो है ये मोटर बोट है जनरेटर वाली जो है, इसकी जो है लाइफ जैकेट इधर पड़ी हुई हैं, एक लाइफ जैकेट ले लेते हैं हम भी। ये आंटी की इसको पहनते हैं और फिर उसके बाद इधर बैठते हैं। ये छोटे बच्चों को भी पहना रहे हैं, बच्चे गिरेंगे तो चलो गोते ना आएंगे उन्हें। तो जी ये वाली है हमारी लाइफ जैकेट और इसकी एक तनी है, ये हमने बांध ली है, बंदा डूबने लगे तो ये पता चले कि गले से बाहर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैग्स भी हमारे साथ ही हैं, डूबेंगे तो बैगों समेत। यहाँ पे मेरे साथ एक और फैमिली है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? ये इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, अभी चलेगी, जब घूमकर आगे आ जाएंगे ना फिर से पूछेंगे कि कैसा लगा आपको। ये पैडल बोर्ड वाले मजे ले रहे हैं, ये चल पड़ी है जी बोट। बिस्मिल्लाह। एकदम से यार ना वो जब टर्न करने लगते हैं ना ऐसे लगता है जैसे बंदा जो है ना अभी गिरने लगा है, बंदा डर जाता है एकदम से। हाँ एंजॉय कर रहे हो आप? हाय 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 बोलो, हाय हाय हाय।
यार, वो सनसेट हो रहा है उधर, चेक करें। चलें जी, पैसे खत्म। ये आ गए हैं हम लोग अपने अड्डे पे। थैंक यू यार, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। अब जो इफ्तारी का टाइम हो गया, हम जो है निकलते हैं। ये लाइफ जैकेट उतार देते हैं, ये इनकी है, वापस भी करनी है। पार्क का ये वाला जो सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पर भी सारे फूल लगे हुए हैं, वो लास्ट तक, जहाँ तक जो है वाटरफॉल नहीं आ जाती। आई लव लाहौर। इस साइड पर जो है ना, मैंने नोट किया कि इधर जो है ना पोलो ग्राउंड भी है। ये वाला जो है ना सारा, ये पोलो ग्राउंड है, इसके अंदर जो है इंटर पता नहीं किस साइड से होते हैं। शाम भी हो चुकी है, इधर बस मैं आप लोगों को ये भी अंदर से दिखाता। और यहाँ पर है वाटरफॉल, मगर ये तो इस टाइम बंद हो चुकी है। पहले चल रही थी, लेकिन मैं उस साइड पर चला गया था, मैंने कहा वापसी पर बनाऊँगा वीडियो, लेकिन फ़िलहाल तो ये बंद है, पता नहीं कब चलेगी अब दोबारा। ओ माय गॉड, ऊपर से पानी गिरता है और यहाँ नीचे इधर से निकल जाता है। इस साइड पे भी फैमिलीज जो है बैठकर इफ्तारी कर रही है, और मगरब की अजान स्टार्ट हो गई है। अब जो है वो फूल जो है ना, उनकी तरफ जाने देंगे, उनकी वीडियो जो है वो अब हम बनाएंगे। ये है रेस कोर्स जिलानी पार्क का चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड। इसका जो है ना नेम मतलब चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड है। वैसे तो चिल्ड्रन हर साइड पे खेल रहे हैं, और इसके जो दूसरी साइड है ना, उस साइड पर बच्चों के झूले हैं। यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा बर्गर, इसके अलावा फिंगर चिप्स है, और इधर चॉकलेट्स वगैरह हैं, और साथ बोतल्स वगैरह हैं। यहाँ पे है आइसक्रीम, हम इनसे आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं। ये रही हमारी आइसक्रीम। यहाँ पर खिलौने हैं बच्चों के लिए। अब मैं पहुँच चुका हूँ इधर फ्लावर शो, और यार ना ये वाटरफॉल बंद हो गया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा पहले उधर लेक से आ जाते हैं, फिर वापसी पे बनाएंगे, लेकिन वो बंद हो गई। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं, खुला नहीं है, मगर के बाद नहीं खुलना था, वो कह रहे हैं कि हम फ़ोन का वेट कर रहे हैं, फ़ोन आना है इन्हें पता नहीं किधर से, उसके बाद इसे खोलेंगे, तब तक हम भी इधर वेट करते हैं। यार ना चल चल के मेरी तो एनर्जी डाउन हो गई है। अभी है इधर मेरे पास एक खरबूजा, इसको जो है खाते हैं और एनर्जी को करते हैं बहाल, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। बेटा यार वाओ, ए चलो जी काम खत्म। ये चीज सफाई का खास ख्याल रखना है आपने। ये सीन चेक करें, बड़ा मजे का लग रहा है। फ्लावर शो का बता रहे हैं कि वो जो है बारिश होने की वजह से अंदर से गीला है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते, तो कुछ शॉर्ट्स जो है वो मैंने लिए हैं, आप वो देखें, उसके बाद हम चलते हैं वापस।
सॉरी फॉर दिस कि मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा सका, अंदर से जो है ना गीला था, इस वजह से अंदर जो है ना लोगों को दाखिल नहीं होने दे रहे थे। खैर वही चीजें फ्लावर जो हमने बाहर देखे हैं मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वही फ्लावर जी अंदर हैं। इतना तो कोई खास होता नहीं, आप लोगों को भी पता ही है। खैर अभी जो है हम लोग जा रहे हैं वापस और हम अभी पहुँचते हैं पार्किंग में। ये रही हमारी बाइक और इसका जो है ना जब हम आ रहे थे तो गियर गिर गया था। अब ये जो है ना फोर्थ गियर के अंदर खड़ी हुई है और इसको धक्का लगा कर मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोए मोए हो गई थी हमारे साथ। अब रास्ते में कोई देखते हैं मैकेनिक और इसको करवाते हैं सेट। अच्छा जी इसको बोलते हैं गियर लीवर, ये टूट गया था हमारा उस टाइम। अब ये कारीगर जो है इसको लगा रहे हैं अच्छे से। यार भूख के हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी ये है हमारे पास सिज्जी, इसे जो है जल्दी से मुकाते हैं और फिर चलते हैं हॉस्टल। चलें जी पेट की पूजा पाठ हो गया, अब हम निकलते हैं हॉस्टल। ओ लो जी आगे पार्किंग। तो जी मैं हॉस्टल पहुंच चुका हूं और ये था हमारा आज का व्लॉग, लास्ट जो हमारे व्लॉग थे जिसके अंदर मैं सफारी जू लाहौर गया था, वाघा बॉर्डर, इसके अलावा जो है वो भूत बंगला, वो सारी वीडियो जो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप जरूर देखेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दें इजाजत, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।